मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पांडे। बच्चों, आज हम लोग क्रेस एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक के चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग जो है रिवीजन करेंगे, और उसके साथ साथ में ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और लैकोपेरान मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? एक बार आप जो लाइव आए हैं वो कंफर्म करें, फिर टॉपिक को हम लोग बच्चों कंटिन्यू करते हैं। वॉइस मेरी आप लोगों को क्लियर आ रही है? जैसा पहले अभी हम लोगों ने आपको बताया, भी रिवाइज कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग टॉपिक है जिसमें कुछ टॉपिक्स आज हम लोग इसमें ऑनलाइन सेशन में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? एक बार बच्चों आप लोग कंफर्म करिए, फिर हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो बच्चों जो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसलेशन टॉपिक में अगर हम लोग देखें तो ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पहले फर्स्ट लाइन में यही आपको बताया गया है, ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। तो एक ऐसी प्रोसेस है अमीनो एसिड की पॉलीमराइजेशन की, क्या है इसमें? अमीनो एसिड की पॉलीमराइजेशन की एक प्रोसेस है जिसमें पॉलीपेप्टाइड दैट इज प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फिर जो है अगर हम लोग देखें कि इसके आगे क्या बता रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन इसमें से आपसे पुट अप करता है कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में या प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको जो है प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मैकेनिज्म आप देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी होगा। और यहाँ स्टार्टिंग में भी इसने बोला है कि द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द mRNA, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है और उसका जो ऑर्डर है प्रोटीन में, वो mRNA में जो बेस की सीक्वेंस है, जिसे ट्रिपलेट के सेट में आप जेनेटिक कोड में कोडॉन के टर्म में बोलते हैं, तो कोडॉन या आप बोले बेस का सीक्वेंस, उसी के अकॉर्डिंग तो आपको बता रहा है कि जो है mRNA में जो बेस सीक्वेंस है, जिसे आप कोडान बोलते हैं, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी आप मैकेनिज्म में देखेंगे भी। तो इसमें आपने देखा कि ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है अमीनो एसिड का और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा कि किसी भी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर आपको अमीनो एसिड का ऑर्डर या सीक्वेंस देखना है तो किसके ऊपर डिफाइन डिपेंड करेगा, सीक्वेंस ऑफ बेस इन द mRNA, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, अमीनो एसिड जो है ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से और दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरीके से रिमाइंड करिएगा। और आगे हम लोग देखें कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज पॉलीमराइजेशन होता है या आप बोले ट्रांसलेशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पैराग्राफ में, ट्रांसलेशन के पैराग्राफ में अभी तक आपने तीन पॉइंट देखा, जब आप इसे फर्स्ट फ्लो में रिवाइज करें तो छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइटेड भी किया है और अंडरलाइन भी किया है। येलो हाईलाइटेड रीजन में आपको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, और अंडरलाइन पॉइंट वाले भी जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर आप देखते हैं
कि सीक्वेंस कैसे पता करेंगे अमीनो एसिड का, तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चलेगा जो है बेस की सीक्वेंस के से, और बेस का सीक्वेंस किसका, एमआरएनए पे जो जो है बेस होंगे या जो आप कोडॉन का सीक्वेंस बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखेंगे। और फिर देखा आपने कि जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो नेक्स्ट लाइन में है कि फर्स्ट फेज क्या है, फर्स्ट फेज ट्रांसलेशन का क्या होता है। ये नीट में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, पुट अप किया था, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट फेज क्या है। तो फर्स्ट फेज अगर आप देखें तो ये एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू दियर कॉग्नेट टीआरएनए। तो पहला फेज जो होता है, अभी जब मैकेनिज्म आप देखेंगे फिगर में तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी होगा, बट यहाँ पे अगर देखें आप ट्रांसलेशन का जो फर्स्ट फेज है तो बच्चों ये क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड आप कह सकते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड भी कह सकते हैं, जिसमें होता क्या है कि अमीनो एसिड एटीपी की प्रेजेंस में दैट इज एनर्जी को कंज्यूम करके जो उसका एप्रोप्रिएट कॉग्नेट टीआरएनए होता है उस पर वो ज्वाइन होता है। ठीक है, उस पर वो लिंक हो जाता है। तो पहला फेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, या आप कह सकते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी, अभी आप इसे बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसमें अमीनो एसिड पहले एक्टिवेट होता है, उसके बाद टीआरएनए में जो है जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है उस पर जो है उसकी आप लोडिंग कह सकते हैं, उस पर वो जुड़ जाता है। तो इसीलिए बोला गया फर्स्ट फेज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट भी कर सकता है, एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू दियर कॉग्नेट टीआरएनए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, तो पहला फेज, इस बार का क्वेश्चन भी था नीट का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट फेज क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, इसको आप रिमाइंड करके रखिएगा। अब जो है होता क्या है, आपको बता रहा है कि जब दो चार्ज टीआरएनए पास पास में आते हैं तो होता क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अमीनो एसिड के बीच में हो जाता है। तो इस लाइन में आपको यही बोलेगा कि इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज एनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ये हो जाता है। ठीक है, और वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, और इसके लिए भी एनर्जी खर्चा होती है। तो आपने देखा चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए भी एटीपी लगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड जिसमें होता था, और उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, जब दो अमीनो एसिड पास पास में आते हैं तो उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, फिर द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट वुड एनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो है फिर अगर अब यहाँ पे आप इस चीज को भी सोच सकते हैं कि जब दो अमीनो एसिड पास पास में आते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा एनर्जी को खर्चा करके, बट जो कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है, ये कैटालिस्ट जो हैं ये इनहेंस मतलब बढ़ा देते हैं रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो इसीलिए जब जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमराइजेशन होता है तो उसमें जो कैटालिस्ट या जो एंजाइम होगा वो इस प्रोसेस को, इस रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बता रहा है ये कि सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसराइजिंग प्रोटीन इन द राइबोसोम, जो सेलुलर फैक्ट्री है, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं जहां पे प्रोटीन सेंसिस होती है वो सेलुलर फैक्ट्री राइबोसोम है। ठीक है, याद रखिएगा राइबोसोम अगर देखा जाए किससे मिलके बना होता है, तो राइबोसोम बच्चों ये जो है आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो स्ट्रक्चरल आरएनए यहां पे आपको बता रहा है कि ये किससे मिलके बना रहेगा, तो ये जो है स्ट्रक्चरल आरएनए, आप इसे रिमाइंड करिएगा, स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बनता है। स्ट्रक्चरल आरएनए का दूसरा नाम क्या है, आरआरएनए, याद रखिएगा, या राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम जो सेलुलर फैक्ट्री है वो खुद राइबोसोमल आरएनए और 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलके बनता है। और शुरू में जब इसका फॉर्मेशन होता है तो अब जैसे बनेगा ये तो कैसा रहेगा, ये इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, और जब ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है बच्चों तो ये इसके दो सब यूनिट के फॉर्म में ही होता है, एग्जिस्टेड एज टू सब यूनिट, दो सब यूनिट में होता है, एक है ए लार्जर सब यूनिट एंड ए स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट होगा और दूसरा स्मॉल सब यूनिट होता है। ठीक है, इसे आप रिमाइंड करिएगा, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर एन एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और हो सकता है इस बार नीट में आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर ले, इसलिए इस पॉइंट को अच्छे तरीके से आप रिमाइंड करिएगा कि जब दोनों सब यूनिट, भाई जैसे अगर आप 80S राइबोसोम की बात करते हैं तो उसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 40S होता है,
होता है, जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60S होता है। बट अगर आप जो है 70S राइबोसोम की बात करते हैं तो उसमें जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30S होता है। तो जो भी दोनों सब यूनिट इसके पाया जाते हैं इनएक्टिव स्टेज में, ये दोनों सब यूनिट में पाया जाता है। सबसे पहले प्रोटीन सेंसिस या ट्रांसलेशन की शुरुआत कब होगी, तो इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ के रखिएगा कि ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन कब बिगिन होगी, जब स्मॉल सब यूनिट, कौन सा स्मॉल सब यूनिट, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर एन एमआरएनए। सबसे पहले प्रोटीन सेंसिस की शुरुआत जब होगी, कब होगी, जब स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए से बाइंड होगा तब, इसी जो है शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद में फास्ट सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड, और फिर उसके बाद जो है फिर देयर आर टू साइट इन द लार्ज सब यूनिट, जो लार्ज सब यूनिट होती हैं उसमें दो साइट होती हैं, आप कह सकते हैं एक ए साइट और एक पी साइट, और उसके अलावा भी यहाँ पे इसने जिक्र नहीं किया एक ई साइट भी होती है। तो ए साइट, पी साइट और ई साइट, ए साइट आप कह सकते हैं कि वो साइट है जहां पे अभी सबसे पहले अमीनो एसिड आएगा, आप कह सकते हैं। तो जो ए साइट होगी उसे आप कह सकते हैं कि वो जो है अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट है, वो आपको इस जगह पे इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगी, ये हो जाएगा ए साइट, ठीक है। उसके बाद में जो है आप कह सकते हैं इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं इस साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, जो बीच में आपको मिलेगा वो पी साइट होगा, और सबसे जो है किनारे की साइड में आप देखते हैं लार्जर सब यूनिट में, तो यहाँ पे जो है आपको ई साइट मिलता है। ए का मतलब होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट, पी का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और ई साइट का मतलब हो गया एग्जिट साइट, जब जो है अमीनो एसिड बाइंड हो गए, टीआरएनए फ्री हो गया, तो इसी साइट से वो एग्जिट हो जाता है। तो उसी के बारे में इसने बोला है कि जो है देयर आर टू साइट इन लार्जर सब यूनिट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये वाला जो है आप ये देखते हैं ये वाला पोर्शन ये लार्ज सब यूनिट है, ये कैसा है, ये लार्ज सब यूनिट है, जबकि यहाँ पे आप ये देखते हैं नीचे वाला ये स्मॉलर सब यूनिट है, लेकिन स्मॉलर सब यूनिट जब एमआरएनए पे बाइंड होता है, आपको ये एमआरएनए मिल रहा है, तो एमआरएनए पे सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट बाइंड होता है और तभी ट्रांसलेशन की प्रोसेस बिगिन होती है, और उसके बाद में इस स्मॉलर सब यूनिट पे लार्जर सब यूनिट बाइंड होता है। आपको पता है लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट आपस में कैसे जुड़ते हैं, मैग्नीशियम आयन की हेल्प से जुड़ते हैं, और यहाँ पे लार्जर सब यूनिट में इसने दो पॉइंट को ही बोला, ए पॉइंट और बी पॉइंट, दैट इज दो साइट है, ए साइट एंड जो है पी साइट, कहां पे होंगे, लार्जर सब यूनिट पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको बोला देयर आर टू साइट इन लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट में दो साइट हैं फॉर सबसिक्वेंट अमीनो एसिड टू बी बाइंड एंड दज बी क्लोज एन अप, और इन्हीं दोनों साइट पे जब आते हैं ए और पी साइट पे, तो अमीनो एसिड बड़े पास पास होते हैं, क्लोज एन अप टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटालिस्ट, राइबोसोम यहाँ पे कैटालिस्ट का काम भी करता है, जैसे 23S आरआरएनए इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम, राइबोजाइम का नाम सुना होगा, ज्यादातर आपको पता है एंजाइम प्रोटीन ही नेचर के होते हैं, बट यहाँ पे जो राइबोजाइम है ये जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, आरआरएनए होता है, और बैक्टीरिया में ये 23S आरआरएनए राइबोजाइम का काम करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कैटालिस्ट का रोल प्ले करेगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी होता है। अब यहाँ पे जो है अगर आप देखें फिर आगे इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म में क्या होता है, अभी मैं आपको फिगर से भी यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगा, लेकिन एक बार देखते हैं आगे ये क्या कहना चाह रहा है कि ये ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक बाय स्टार्ट कोडन एंड द स्टॉप कोडन, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ये फाइव पिंड की साइड में, फाइव पिंड की साइड में कहीं पे जो है आपको जहां पे प्रोसेस शुरू होनी होगी वो जगह पे आपको मिलेगा स्टार्ट कोडन AUG, और जो है जेनेटिक कोड में आप पढ़ भी चुके हैं, थर्ड इंड की साइड में आपको मिलेगा स्टॉप कोडन, जो होते हैं तीन, UAA आपने देखा होगा, UGA और UAG, तीन स्टॉप कोडन थर्ड इंड की साइड में पाए जाते हैं। तो फिफ्थ और थर्ड दैट इज स्टार्ट कोडन और स्टॉप कोडन के बीच में जो ट्रांसलेशनल यूनिट है वो जो है प्रोटीन सेंसिस का जो है काम करता है, और स्टार्ट कोडान और स्टॉप कोडान के जो बियॉन्ड रीजन है उसे UTR बोलते हैं। तो उसी चीज को अभी आप आगे देखेंगे, इस पैराग्राफ को मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ कि ये ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक बाय द स्टार्ट कोडान AUG एंड द स्टॉप कोडान एंड कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, और यही ट्रांसलेशनल यूनिट पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, ठीक है। एंड mRNA आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जो ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं, अभी हम लोगों ने इसका जिक्र भी किया था, एंड आर रिफर टू एज अनट्रांसलेटेड रीजन UTR, द UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5 इंड बिफोर स्टार्ट कोडान एंड एट 3 इंड आफ्टर स्टॉप कोडान,
ठीक है। तो अब ये किधर हो गया है? अगर फिफ्थ एंड पे जहां पे भी AUG आपको मिलेगा उसके, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में आप UTR रीजन बोलेंगे, और थर्ड एंड पे जहां पे आपको स्टॉप कोडन उन तीनों में से कोई भी मिलेगा उसके जो है राइट साइड वाले रीजन को आप UTR बोलेंगे। UTR वो रीजन है कि जहां पे ट्रांसलेशन नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। UTR द UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5 इंड बिफोर स्टार्ट कोडन एंड एट थर्ड एंड आफ्टर स्टॉप कोडन, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, वो रिक्वायर्ड होते हैं एफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब इसमें आपको आगे बता रहा है, फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडन। सबसे पहले जब भी कभी इनिशिएशन होगी तो राइबोसोम जो है बाइंड होगा स्टार्ट कोडन पे। भाई ये पूरा राइबोसोम का जो सेलर फैक्ट्री है ये कहाँ पे बाइंड होगा? जहाँ पे आपको AUG मिलेगा उस जगह भी बाइंड होगा पूरे के पूरे mRNA में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनिशिएशन के लिए राइबोसोम बाइंड टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडन AUG दैट इज रिकॉग्नाइज ओनली बाय इनिशिएटेड tRNA, और जो स्पेसिफिक tRNA है जिसे आप इनिशिएटेड tRNA बोलते हैं, जिसके अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड पे मिथियोनिन जो है बाइंड है, वहाँ वो जो है बाइंड होगा आके जो है इस पे जुड़ेगा। द राइबोसोम प्रोसीड टू द एलोंगेशन फेज, और फिर ये राइबोसोम प्रोसीड करेगा एलोंगेशन फेज में, याद रखना है। राइबोसोम जो है प्रोसीड करेगा, कहाँ पे प्रोसीड करेगा? आप कह सकते हैं इलांगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू tRNA, और जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, tRNA से जो लिंक है, ठीक है, सिक्वेंसली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडन इन mRNA बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद द tRNA एंटीकोडॉन। तो tRNA के जो है एंटीकोडॉन mRNA के कोडॉन से बाइंड होगा, और अमीनो एसिड जो है पी साइड पे दूसरे अमीनो एसिड के पास में रहेंगे जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, और राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन मूव करता है अलोंग द mRNA, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जो है एक बार हम लोग फिगर से यहां पे देखें तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिगर में आपको एक बार रिमाइंड कराता हूं कि किस तरीके से जो है आपको यहां पे देखना है। तो अब इसमें आपको बोलना है, जैसे अभी आपने देखा भी यहां पे, मैंने भी बताया आपको कि 5 इंड या इस 5 इंड पे कहीं पे इनिशिएशन कोडॉन होगा AUG होगा, और थर्ड इंड पे स्टॉप कोडॉन होगा, और जो है 5 के स्टार्ट और थर्ड के स्टॉप कोडॉन के बीच में ट्रांसलेशनल यूनिट है जहां पे जो है सबसे पहले ये राइबोसोम इसी स्टार्ट कोडॉन जो भी यहां पे होगा 5th इंड पे वहां पे जुड़ा होगा। अब है क्या, जो पहला tRNA जो मिथियोनिन को लेके आता है वो पी साइड पे आया रहा होगा। उसके बाद आप इसको इमेजिन करिए कि पहला जो है tRNA जितने अपने साथ में रखा होगा मिथियोनिन को वो पी साइड पे लेके आया रहा होगा, और यहाँ पे AUG रहा होगा, और AUG यहाँ पे AUG रहा होगा, और इसका जो है जस्ट एंटीकोडॉन tRNA पे रहा होगा, जो tRNA का एंटीकोडॉन और जो है mRNA का कोडॉन आपस में बाइंड हुआ रहा होगा। फिर नेक्स्ट जो अमीनो एसिड आया रहा होगा tRNA के साथ में वो जो है ए साइड पे आया रहा होगा, और जो है ये ए साइट ये वाली पोजीशन है याद रखिएगा, ठीक है, और पी साइट जो है आपको ये पोजीशन यहाँ पे आप कह सकते हैं जहाँ पे ये tRNA पाया जाता है इस समय ये है, ठीक है। तो अब ये दोनों, ये पहला tRNA, उसके बाद जो नेक्स्ट tRNA आ रहा है, जब ये दोनों इतने पास पास में होते हैं तो इनके बीच में जो अमीनो एसिड यहाँ पे है इनमें जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है याद रखिएगा, और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो जो है ये tRNA फ्री हो गया, और ये tRNA आप देखिए यहाँ पे फिर ये एग्जिट हो जाता है ई वाले एंड से। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट tRNA अमीनो एसिड को लेके आएगा एक्सेप्टर एंड पे, और जब तक जो है अगला ये वाला tRNA इस पोजिशन पे पी वाले पे पहुंच जाएगा, और ये वाला पी पे पहुंच गया, नेक्स्ट tRNA अमीनो एसिड को लेके यहाँ आ गया, फिर उसके जो है दोनों अमीनो एसिड पास पास में होते हैं और इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं। जब एक बार पेप्टाइड बॉन्ड बन गया tRNA फ्री हो गया, tRNA फिर ई साइड से बाहर एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो ए साइड के लार्जर सब यूनिट पे किसके लिए? अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइड है, और पी साइड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाली साइड है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में अमीनो एसिड फ्री हुआ तो ये tRNA जो है यहाँ से एग्जिट हो जाता है निकल जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। उसके बाद में फिर ये राइबोसोम इस जो है कोडॉन से खिसक के और फिर जो है थर्ड इंड की ओर फिर दूसरे कोडॉन पे पहुंच जाता है। तो वन बाय वन यहाँ पे जो है हमें वन बाय वन कोडॉन एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन पे राइबोसोम आगे की तरफ जो है शिफ्ट होता रहता है थर्ड एंड की तरफ, और अमीनो एसिड tRNA लेकर आता रहता है, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहते हैं, दैट इज प्रोटीन की संश्लेषण होती रहती है। इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पे होती है।
डिस्क्रिप्शन वाले बैच में आपको जो है एक फिगर से वहाँ पे बताया गया होगा कि किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर भी आपने काफी हद तक इसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे इसने बोला कि द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडान टू कोडान अलोंग द एमआरएनए, अमीनो एसिड आर एडेड वन बाई वन, और अमीनो एसिड भी एक एक करके जोड़ा जाता है, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाई डीएनए, ठीक है। ट्रांसलेशन होता रहता है जिसका निरीक्षण निर्देशन कौन करता है, डीएनए करता है, और रिप्रेजेंटेशन होता है एमआरएनए के जरिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एमआरएनए दे रहा है कि कौन सा अमीनो एसिड जोड़ना है, क्योंकि कोडान बाई कोडान कोडान ही उसका इन्फॉर्मेशन होता है। एट द एंड ये रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडान, एंड पे रिलीज फैक्टर आता है, स्टॉप कोडान से बाइंड हो जाता है और टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसलेशन का, रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम, और कंप्लीटली ये जो है पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस, रिमाइंड रखिएगा आपको। बस इसमें इस पैराग्राफ में कुछ ही ऐसे पॉइंट हैं जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, और उसको बार बार आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कि प्रोसेस क्या है ट्रांसलेशन की, तो पॉलीपेप्टाइड बनने की जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है वही ट्रांसलेशन है, ठीक है। अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसे आप जानेंगे, एमआरएनए पे जो बेस की सीक्वेंस है उसी की अकॉर्डिंग आप जानेंगे या अमीनो एसिड का सीक्वेंस। फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। फर्स्ट फेज क्या है, तो चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए या अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए है। याद रखिएगा जब दो पास पास में अमीनो एसिड आते हैं तो ऑटोमेटिक उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। कैटालिस्ट क्या काम करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के जो है रेट को वो इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। सेलुलर फैक्टिकोन है, राइबोसोम है, राइबोसोम के दो यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट एक स्मॉलर सब यूनिट, और दोनों ये जो है लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट जो है लार्जेस्ट सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट आपस में जो है बाइंड होते हैं मैग्नीशियम आयन की मदद से, जो साइटोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं। बट ट्रांसलेशन बिगन कैसे होगा, जब स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगा एमआरएनए से। लार्जेस्ट सब यूनिट में जो है दो साइट आपको बताया जा रहा है एनसीईआरटी में, एक ए साइट एक पी साइट, ए साइट अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट है और पी साइट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की साइट होती है। इस तरीके से जो है ये प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। यूटीआर रीजन के बारे में भी आपसे पूछ लेता है, तो जो है यूटीआर रीजन क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा स्टार्ट कोडान के बिफोर और थर्ड कोडान के आफ्टर जो रीजन होता है उसी को बोलते हैं यूटीआर रीजन, ठीक है। इस चीज को आप रिमाइंड करिएगा। रेगुलेशन की अगर हम बात करें कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अगर यूकैरियोटिक में बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कई स्टेप में होता है। जो पहला स्टेप है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है जिसे आप एचएनआरएनए बोलते थे, जिसमें एक जानो इंट्रॉन भी होते थे। दूसरा स्टेप है प्रोसेसिंग लेवल, जब स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है, और कैपिंग टेलिंग वाली प्रोसेस होती है, तो उसमें भी जो है आप रेगुलेशन कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन का, हो सकता है। और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस, ये भी एक रेगुलेशन की साइट हो सकती है, कि जब न्यूक्लियस में एमआरएनए सिंथेसाइज हो गया उसके बाद साइटोप्लाज्म में जब तक वो आएगा नहीं तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, और प्रोटीन सिंथेसिस द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन का एक्सप्रेशन प्रोटीन की सिंथेसिस है। तो इस स्टेप पे भी आप जो है इसको रेगुलेट कर सकते हैं। और ट्रांसलेशनल लेवल जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है एक्चुअल में, ये भी एक तरीके से यूकैरियोट में देखा जाए तो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो टोटल फोर पॉइंट हैं, इसको आप रिमाइंड रखिएगा यूकैरियोट के लिए स्पेशली, कि इतने स्टेप पे आप जो है रेगुलेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे हम बात करते हैं कि अगर जीन एक्सप्रेशन की बात करें जो है प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में थोड़ा सा जो है यूकैरियोट की अपेक्षा अलग होता है। क्या होगा याद रखिएगा, इसमें जो है कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल या जो है बायोकेमिकल ऐसे जो है स्टेप्स हैं जिसपे जो है जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन होता है। एक इसमें आपको इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये एंजाइम जैसे इकोलाई में इसने बोला है इसका मेन काम क्या होता है, ये डाइसैकेराइड जो लैक्टोज है उसे हाइड्रोलाइज कर देता है और तोड़ देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। फिर इसमें आपको बता रहा है अंडरलाइन वाली पॉइंट में, बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ जो है लैक्टोज नहीं है तो बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स के लिए लैक्टोज नहीं है, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज की जरूरत उन्हें नहीं होगी, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज की जरूरत किस लिए थी, लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने के लिए, हाइड्रोलिसिस करने के लिए। अगर लैक्टोज ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज की जरूरत नहीं है, और इसी जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज की सेंसिस और ना सेंसिस होने के बेसिस पे जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है प्रोकैरियोट में। जबकि यूकैरियोट में आपने अभी चारों स्टेप को देखा कि किस किस तरीके से आप रेगुलेशन कर सकते हैं। तो अगर जो है आप बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के सेंसिस के बेसिस पे अगर आप रेगुलेशन करते हैं प्रोकैरियोट में,
या सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज के पाए जाने या ना पाए जाने के बेसिस पे करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज अ मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन है जो रेगुलेट करेगा एक्सप्रेशन ऑफ जीन को। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे ये बता रहा है कि इन प्रोकैरियोट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जैसे आपने देखा था कि कई स्टेप थे यूकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन के लिए, चारों स्टेप आपको याद होगा कौन कौन सा था। तो एक था ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग लेवल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का, उसके बाद जो है आपने देखा था कि ट्रांस माइग्रेशन दैट इज न्यूक्लियस से mRNA का जो है साइटोप्लाज्म में आना, और फिर नेक्स्ट था ट्रांसलेशनल लेवल। लेकिन प्रोकैरियोट में आप देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन शुरुआत ही, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन ही देखा जाए तो ये प्रीडोमिनेंट साइट होती है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल की शुरुआत पे ही आप जीन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन प्रोकैरियोट में कर सकते हैं। अगर इनिशिएशन हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन दैट इज ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो आप उसे जो है होने देंगे, प्रोसेस होती रहेगी। और अगर आपको प्रोसेस नहीं होने देना है तो शुरुआत में ही जो है ये सेल क्या करेगा, उसे रोक देगा उस प्रोसेस को। तो उसी के बारे में आपको बोलेगा यहाँ पे। रेगुलेटरी प्रोटीन जो होते हैं कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर एंड नेगेटिवली रिप्रेसर। जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रहते पॉजिटिव करेगा तो एक्टिवेटर बोलेंगे और नेगेटिव करेगा तो उसे रिप्रेसर आप बोलेंगे। ठीक है, रिमाइंड करिएगा। और इसका रेगुलेशन अगर देखा जाए कि जो है जो रेगुलेशन होगा रेगुलेटेड बाई इंटेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्न ऑपरेटर बोलेंगे। जो रेगुलेशन करता है प्रोटीन के जो है इंटेक्शन के लिए वो सीक्वेंस होता है ऑपरेटर। तो कहने का मतलब जो रेगुलेटर है, जो रेगुलेट करने वाला है, वो ऑपरेटर से उसका एक इंटेक्शन होता है, जो अभी आप देखेंगे कि जो है रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से जुड़ जाता है, उसी के लिए यहाँ पे आपको बता रहा है। अगर हम बात करते हैं कि ईच ओपेरॉन है स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर, तो बिल्कुल सही बात होगी। आप इसे टिक कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। क्या ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर ओपेरॉन के लिए अपने अपने स्पेसिफिक ऑपरेटर हैं और स्पेसिफिक रिप्रेसर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लैक ऑपरेटर के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। लैक ओपेरॉन इसे आप कहते हैं, ठीक है। इट इंटेक्ट स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ओनली, केवल लैक रिप्रेसर से ही जो है अगर देखा जाए तो इंटेक्ट होता है। लैक ओपेरॉन की बात करें तो फ्रैंकोइस जैकब एंड ये बायोकेमिस्ट थे, और जैक मोनॉड इन दोनों लोगों ये जो है ये जेनेटिक्स थे। जेनेटिक्स कौन था, फ्रैंकोइस जैकब और बायोकेमिस्ट थे जैक मोनॉड। इन दोनों लोगों ने इसको जो है सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन किया और बताया कि लैक ओपेरॉन क्या होता है। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन अगर आप देखें तो इसमें लैक का मतलब होता है लैक्टोज, लैक रेफर टू लैक्टोज, याद करके रखिएगा। और ये पॉलीसिस्टानिक स्ट्रक्चर जीन होता है। पॉलीसिस्टानिक टर्म आते ही आपको याद आना जाना चाहिए कि पॉलीसिस्टानिक स्पेशली प्रोकैरियोट्स के लिए होता है, क्योंकि यूकैरियोट के लिए तो मोनोसिस्टानिक स्ट्रक्चर जीन होते थे। तो लैक यहाँ पे लैक्टोज है और ये पॉलीसिस्टानिक स्ट्रक्चर जीन है जो रेगुलेट करेगा पूरी प्रोसेस को। आप यहाँ पे देखेंगे, इसे आप रिमाइंड करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं और भी कई जो है यहाँ पे पॉलीसिस्टाइन में प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन है जो रेगुलेट करते हैं ये कॉमन प्रोसेस के द्वारा, रेगुलेटेड बाय ये कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन पॉलीसिस्टाइनिक स्ट्रक्चर जीन। ठीक है, तो आप आगे बता रहा है आपको यहाँ पे कि लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ठीक है, और ARA ओपेरॉन और हिस ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन, ये सब जो है इनके फुल फॉर्म भी होते हैं अमीनो एसिड के बेसिस पे, जैसे हिस्टीन, वैलिन, यही सारे हो जाएंगे। यहाँ पे केवल लैक ओपेरॉन के आपके बारे में बताया गया है। लैक ओपेरॉन में वन रेगुलेटरी जीन है, इसको टिक करिएगा और लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लैक ओपेरॉन में रेगुलेटरी जीन कितने हैं, एक ही रेगुलेटरी जीन है जिस जीन का नाम है आई जीन। यहाँ पे आई का मतलब हो जाएगा इनहिबिटर, क्या हो जाएगा, आई जो है डज नॉट रिफर टू द इंड्यूसर, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं, आई का मतलब क्या है जो है इनहिबिटर है, याद रखिएगा। और स्ट्रक्चर जीन तीन होते हैं यहाँ पे, जेड वाई एंड ए, तीन जीन है। आई जीन कोड फॉर रिप्रेशर ऑफ लैक ओपेरॉन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिप्रेशर जो प्रोटीन होता है, रिप्रेशर होता है, उसको कौन कोड करेगा, तो आई जीन कोड करता है। और जो जेड जीन होता है बेटा, जेड जीन ये बीटा गैलेक्टोसिडेज को जो है कोड करता है, जिसे आप शॉर्ट में बीटा गैल भी बोलते हैं। तो जेड बीटा गैलेक्टोसिडेज को, और जो है आई जीन आपने देखा इनहिबिटर को, और जो है यहाँ पे वाई जीन परमेज को जो है कोड करेगा, जो परमेबिलिटी बढ़ाता है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल, किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। और ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटिलेज,
एंजाइम को जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे रेगुलेट करता है या सेंसाइज कराता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जेड वाई जो स्ट्रक्चरल जीन है, जेड बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई जो है ये परबीज, और ए है ये जो है स्पेशली आप देखेंगे जो ए है ये ट्रांस एसिटिलेज को जो है कोड करेगा। याद रखिएगा इस चीज को अच्छी तरीके से। ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट इन लैकोपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, और ये तीनों जीन प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप इसे रिमाइंड करके रखिएगा। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग अगर बात करते हैं कि आगे जो है इस फिगर में आपको बताया गया है, इस फिगर से मैं आपको समझाता भी हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं जो है पी आई पी ओ ओ जेड वाई, ये तो जेड वाई जो है ये, और ये तीनों जो है यहाँ पे बेटा इसी को आप बोलते हैं स्ट्रक्चर जीन। ये कैसा जीन हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर जीन हो जाएगा। याद रखिएगा ये ओ का मतलब यहाँ पे ऑपरेटर हो जाएगा, ये ओ का मतलब हो जाएगा ऑपरेटर, पी का मतलब हो जाएगा प्रमोटर, और आई का मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनहिबिटर जीन होता है। ठीक है, आई जीन जिसे आप बोलते थे, ये तो है आपका। और ये पूरा जो है अगर आपसे पूछा जाए तो ये डीएनए की स्टैंड है जिसे जो है आप ओपेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेरॉन। बेटा इसमें होता क्या है कि जो है अब आप देखिएगा भाई, आपको अभी देखा था थोड़ी देर पहले जेड, आगे देखेंगे भी जेड वाई, ये तीनों स्ट्रक्चर जीन है, ये स्पेसिफिक अमीनो एंजाइम को सेंसराइज करते हैं। ठीक है, प्रमोटर ऑपरेटर, प्रमोटर वो रीजन होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और पॉलीमराइजेशन आगे की तरफ कराता है स्ट्रक्चर जीन पे, और ऑपरेटर ये एक तरीके से आप कहेंगे यहाँ पे ये रेगुलेट करता है पूरी प्रोसेस को। ठीक है, तो आई जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। आई जीन कौन सी प्रोटीन, ये पहले कौन सा एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए, और ये रिप्रेसर एमआरएनए की मदद से एक प्रोटीन बनेगी जिस प्रोटीन को हम बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन। तो रिप्रेसर प्रोटीन को कौन सेंसराइज कर रहा है, आई जीन सेंसराइज कर रहा है। अब अगर जो है सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। आप खुद सपोज करिए यहाँ पे कि जो है अगर लैक्टोज नहीं है तब, कब, जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है, रिप्रेसर जाएगा ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, और प्रमोटर रीजन पे लगा हुआ आरएनए पॉलीमरेज जब स्ट्रक्चर जिनके पास जाना चाहेगा जो है एंजाइम को सेंसराइज करने के लिए वो नहीं जा पाएगा। और इस केस में आप देखेंगे कि सिस्टम जो है ये पूरा कैसा दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि जेड वाई ये फंक्शनल नहीं है, दैट इज यहाँ पे अपने काम नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बन पा रही है, तो सिस्टम आप कह सकते हैं ऑफ हो गया। तो रिप्रेसन बाइंड टू ऑपरेटर रीजन एंड प्रीवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब द ओपेरॉन, और इस कंडीशन में इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं था, सिस्टम आपने देखा क्या हो गया, यहाँ पे सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है कि सिस्टम ये क्या है, ऑफ है। याद रखिएगा फिर जो है अगर कहीं मीडियम में आपको लैक्टोज जो है यहाँ पे नहीं है तब ऐसा हो रहा, अगर लैक्टोज है तो इस आई जीन से जो रिप्रेसर प्रोटीन बना था लैक्टोज उससे बाइंड हो जाएगा। अब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, किस केस में, ऑपरेटर से जुड़ने के लिए वो इनएक्टिव हो गया और फिर रिप्रेसर ऑपरेटर के पास नहीं जा पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है फिर ये ऐसे आगे की तरफ जाएगा, जेड वाई ये तीनों स्ट्रक्चर जीन को ट्रांसक्राइब कराएगा, और स्पेसिफिक जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से परमीज और ए से ट्रांसएसिटिलेज तीनों एंजाइम जो है यहाँ पे सेंसराइज होंगे। तो लैक्टोज के या इंड्यूसर के रहने पे सिस्टम कैसा रहा, सिस्टम को आपने बोला कि सिस्टम यहाँ पे ऑन रहा, और जब लैक्टोज नहीं था, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से जुड़ गया था, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाया था, जेड वाई ये तीनों ने अपने एंजाइम नहीं बना पाए थे, सिस्टम ऑफ हो गया था। तो सिस्टम ऑफ कब होगा, जब लैक्टोज नहीं होगा, लैक्टोज मतलब इंड्यूसर, और लैक्टोज अगर होगा तो रिप्रेसर को जाने नहीं देगा, इनएक्टिव कर देगा और फिर जो है यहाँ पे सिस्टम ऑन रहेगा, तीनों के तीनों एंजाइम यहाँ पे सेंसराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला, लैक्टोज इज द सबस्टेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड इट रेगुलेटिंग स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन, सिस्टम को जो है ऑफ कराएगा ऑन कराएगा। अगर लैक्टोज है सिस्टम ऑन, लैक्टोज नहीं है सिस्टम ऑफ, याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे इंड्यूसर बोलते हैं लैक्टोज को। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन टू द सेल थ्रू रिएक्शन ऑफ परमेज, अंदर पहुंच जाएगा। रिमेंबर ये वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हैड टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, आपको बता रहा है कि सराउंडिंग मीडियम में या सेल में परमेज एंजाइम थोड़ा बहुत हमेशा रहता है, और वो अगर सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज है तो लैक्टोज को अंदर जाने देगा, लैक्टोज जब अंदर जाएगा तो सिस्टम को जो है करा देगा ऑन, क्योंकि जो है सिस्टम ऑन होगा अगर तो एंजाइम बनेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज आएगा और वो स्पेसिफिक जो है लैक्टोज को तोड़ेगा और एनर्जी उसे मिलेगी, किसे, बैक्टीरिया को या जो है जो भी ऑर्गेनिज्म है।
ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे आपको बता जो रिप्रेशर है बेटा, यहाँ पे रिप्रेशर ये आई जीन के द्वारा सेंसाइज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड होता है ऑपरेटर से, अभी फिगर में ही हम लोगों ने देखा। और ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर देता है स्ट्रक्चर जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए इन प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर है, इंड्यूसर कौन था, लैक्टोज था, तो सच एज लैक्टोज और एलो लैक्टोज ये भी हो सकता है। द रिप्रेशर इज इनएक्टिवेटेड बाई इंट्रेक्शन विद इंड्यूसर, और इस केस में रिप्रेशर इनएक्टिवेट हो जाएगा इंट्रेक्शन से, जैसे इंड्यूसर उससे जुड़ेगा और सिस्टम को करा देगा ऑन, ठीक है। इसको आप जो है रिमाइंड करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। फिर आगे जो है अगर हम लोग देखें, लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेशर रिफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि रिप्रेशर ने यहाँ पे सिस्टम को जो है ऑफ करा दिया, इसलिए नेगेटिव रिप्रेशन नेगेटिव रेगुलेशन होता है, ठीक है। आगे एक लाइन और इसने बोला, लैक ऑपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। लैक ऑपेरॉन जो है पॉजिटिव रेगुलेशन में भी जो है पॉजिटिव रेगुलेशन भी कराता है, बट यहाँ पे आपके कोर्स में नहीं, हो हायर क्लासेस में उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जिसमें हम जो है साइंटिस्ट का ग्रुप, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा था कि फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो है इनका मेन उद्देश्य क्या था कि जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए सीक्वेंस, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग करना, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग करना, ये इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1990 में, आपको रिमाइंड रखना है। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये बड़ा ही मेगा प्रोजेक्ट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम जो है ये अगर देखा जाए तो सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3×10^9 बेस पेयर, और इसमें आपको कॉस्ट बता रहा है कि ह्यूमन जीनोम में कितना बेस पेयर है, तो 3×10^9 बेस पेयर है, देखें इसके पहले भी आप जान चुके हैं शुरुआत में भी। और अगर देखा जाए कि अगर इसकी कॉस्टिंग देखी जाए कि पर बेस पेयर की जो है $3 आती है, तो टोटल कॉस्टिंग सारे पूरे जीनोम का जो है कॉस्टिंग जो है यहाँ पे सीक्वेंस करने के लिए $9 billion में आएगी, ऐसा इन्होंने जो है प्रोजेक्ट में अनुमान लगाया था, बताया था। एचजीपी जो है ये क्लोजली एसोसिएटेड है विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें कि एचजीपी का गोल क्या है मेनली, तो एचजीपी का गोल यहाँ पे अगर आप देखें इन लोगों ने जो है सोचा क्या था, तो ये जो था आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। दूसरा था डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 billion केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। पहला उद्देश्य था कि जो जीन है उसको जो है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। दूसरा था ये कि जो 3 billion जो केमिकल बेस पेयर होते हैं उसको डिटरमाइन करना, उसके सीक्वेंस को जो है डिटरमाइन करना ह्यूमन डीएनए को जो बनाते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना, और फिर इसका जो है डेटा एनालिसिस करना, फिर रिलेटेड टेक्नोलॉजी जिस सेक्टर में इंडस्ट्रीज में जहां पे भी इसकी जरूरत है उसे ट्रांसफर कर देना, ठीक है। और भी एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इशू दैट मे अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट, अगर कुछ ऐसे इशू हो जाते थे तो उसको भी जो है एड्रेस करना, नोटिस करना। ये जो है बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट, जैसा आपने सुना ही 13-year प्रोजेक्ट था, ठीक है, 1990 में ये लॉन्च हुआ था। और इसमें अगर देखें कि कोऑर्डिनेशन किसने किया, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो है मेन कोऑर्डिनेशन किया था, इसे आप याद रखिएगा। और फिर जो है इसमें और भी कुछ कंट्रीज ने सहयोग किया था, जैसे वेलकम ट्रस्ट यूके बीकेम ए मेजर पार्टनर था, यूके यूनाइटेड किंगडम जापान फ्रांस जर्मनी चाइना एंड अदर इन लोगों ने भी काफी योगदान दिया था इसमें, ठीक है। प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुआ था बच्चों 2003 में, कब कंप्लीट हुआ 2003 में, ठीक है। और देखा जाए कि जो है ह्यूमन के साथ साथ में और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, मॉडल हैं, जिनकी जो है जीनोम को सीक्वेंस किया गया, जैसे जो है आप रिमाइंड करिएगा सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड हैं, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, और प्लांट में राइस एंड एरेबिडोप्सिस, इन सब का जो है इनका भी जो है सीक्वेंस किया गया ह्यूमन सीक्वेंस के, ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस के साथ साथ में। तो एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में और किसकी किसकी की गई है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन का तो किया ही गया है, क्योंकि नाम ही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जबकि उसके अलावा कुछ और भी ऐसे बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, इससे भी जो है आप रिमाइंड करिएगा बैक्टीरिया हैं, ईस्ट हैं, और यहाँ पे जो है निमेटोड हो गया, सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ड्रोसोफिला, और प्लांट में भी राइस और एरेबिडोप्सिस, इनका भी सीक्वेंस किया गया है, ठीक है, याद करिएगा इसे। मेथोडोलॉजी इसकी अगर क्या थी, तो इसकी दो यहाँ पे दो मेथड यूज किए गए थे, टू मेजर अप्रोचेज थे मेनली। एक पहला जो था वन आइडेंटिफाई ऑल द जीन, ये जो है पहला जो था ये सारे के सारे जीन को आइडेंटिफाई करना और उसे एक्सप्रेस एज आरएनए, और जीन जो होते हैं एक्सप्रेस एज आरएनए, इसे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के नाम से भी बोला गया,
तो पहला था, पहला अप्रोच तो ऐसा था कि सारे के सारे जीन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद जो जिस फॉर्म में वो आरएनए को एक्सप्रेस करता है उसे जो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में जो है उसी तरीके से आपको डिटरमाइन कराना, ठीक है। दूसरा जो था ये ब्लाइंड अप्रोच था, क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया कि होल सेट ऑफ जीनोम सिंपली सीक्वेंसिंग की जाए, भाई सीक्वेंसिंग की जाए, होल सेट ऑफ जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाए, ठीक है, और जितने भी उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उसको भी जो है एक तरीके से देखा जाए, और बाद में उन्हें जो है उनके अलग अलग रीजन में जो भी उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका सीक्वेंस का एनोटेशन कर दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो पहला अप्रोच था आरएनए एक्सप्रेशन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के जो है अकॉर्डिंग, दैट इज सारे जीन को आइडेंटिफाई करना और आरएनए के फॉर्म में जो एक्सप्रेस हो। दूसरा ये था कि सारे के सारे होल सेट ऑफ जीनोम को जो है उनके कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस के बेसिस पे जो है सिंप्लीफाई करना और उसके बाद में उनका एनोटेशन करना, उनका व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है। याद रखिएगा इसे, ये दो जो है मेनली मेथोडोलॉजी थे। आपको यहाँ भी बताया गया है कि द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। इसमें तो सिंपली वही बताया जाता है कि कोई भी जो है डीएनए उसको जो है पीसीआर के जरिए एम्प्लीफाई किया जाए, जैसा सिंपली आप बायोटेक्नोलॉजी में जान के रखे हैं, जिससे आसानी से उसके बारे में समझ जा सके। इसके लिए जो है कुछ ऐसे भी वेक्टर्स का यूज भी किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, इनको भी जो है वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया या इस्टेलेकिन को यूज किया गया था, ठीक है। आगे जो है जो फ्रेगमेंट मिले थे जीनोम के, उसके लिए हमें बता रहा कि ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो है इनकी सीक्वेंसिंग जो है फ्रेगमेंट की गई, और इसके जो है इस प्रिंसिपल को डेवलप करने वाले थे फ्रेडरिक सेंगर। आप याद करिए, आपको बता रहा कि सेंगर इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ अमीनो सीक्वेंस इन प्रोटीन। यही जो है फ्रेडरिक सेंगर ही रहे हैं जिन्होंने जो है प्रोटीन में अमीनो सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए भी मेथड को डेवलप किया था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो ह्यूमन जीनोम मिले, क्योंकि यहाँ पे मेन उद्देश्य था कि जो उसके बेस पेयर केमिकल बेस होते हैं या ह्यूमन जीनोम होता है उसकी सीक्वेंसिंग करना, ठीक है। तो जो है उसी के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो है ये जो प्रोसेस था ये केवल ह्यूमन के द्वारा तो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए जो है जरूरत है किसी एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की, और वही कॉन्सेप्ट जो फ्रेडरिक सेंगर का था जिससे जो है उन्होंने अमीनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था, उसी तरीके से यहाँ पे जीन की सीक्वेंस को भी डिटरमाइन कर लिया जाए। सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो है इसमें कंप्यूटर की भी मदद लेनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन के द्वारा ये जो है पॉसिबल नहीं है सीक्वेंस बनाना। द सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोजोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006, और जो क्रोमोजोम 1 है 1, 2, 3, 4 ऐसे 23 सेट में 23 होते हैं क्रोमोजोम, ठीक है, 22 प्लस जो है सेक्स क्रोमोजोम, तो उसी तरीके से आप बोलते हैं क्रोमोजोम 1 की सीक्वेंसिंग की गई थी मई 2006 में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोजोम था, ठीक है, ये जो है लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोजोम था, ठीक है, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स एंड वाई, तो 22 प्लस ये 23, 24, इस तरीके से आप रिमाइंड करिएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस किया गया। अगर साइलेंट फीचर देखें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या क्या था, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो है ये बातें पता चली, क्या पता चली कि ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर। अब ये उधर तो गोल आपने पढ़ा कई पॉइंट में, यहाँ पे आप इसके देख रहे हैं साइलेंट फीचर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो निकल के आए हैं, क्या क्या यहाँ पे निकल के आए हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन जीनोम जो था ये कितने बेस पेयर को रखता था, तो ह्यूमन जीनोम जो है 3164.7 मिलियन बेस पेयर को रखता है। अगर एवरेज जीन की बात करें तो 3000 बेस जो है एवरेज जीन में जो है हैं, याद रखिएगा, इनका नंबर जो है बैरी भी करता रहता है। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन की बात करें डिस्टॉपिन है जिसमें 2.4 मिलियन बेस हैं, तो एवरेज जीन की बात करें तो 3000 बेस हैं, बट अगर लार्जेस्ट ह्यूमन जीन की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बेस है वो है डिस्टॉपिन जीन, और ये है 2.4 मिलियन बेस, ठीक है। अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन की, तो टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000। अब आप सारे डेटा को आप रिमाइंड करिएगा, एवरेज जीन में बेस कितने 3000 बेस, ह्यूमन जीनोम में बेस पेयर कितने 3164.7, दैट इज 3164.7 मिलियन बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में है, एवरेज जीन 3000 बेस रखते हैं, याद रखिएगा, जबकि 2.4 मिलियन बेस जो है मिले हैं लार्जेस्ट जो जीन था डिस्टॉपिन। अगर टोटल जीन की बात करें तो 30,000, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ भी ले कि टोटल नंबर ऑफ जीन जो है कितने हैं,
तो टोटल नंबर आप जीन की बात करें तो ये 30,000 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। मच लोअर जैसा पहले एस्टिमेट किया गया था 80,000, बोल रहे 40,000, उससे बहुत ही कम जो है ये रिजल्ट निकला। फिर आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल, और ये भी जो है पता चला कि 99.9% जो है न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे जो है पीपल भी सेम है, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे कि जो है 50% जो है ये उनके फंक्शन अगर जीन के देखा जाए तो ये अननोन है, इस चीज को भी आप रिमाइंड करिएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो भी चीजें डिटरमाइन की गई हैं। उसके बाद अगर देखें लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, केवल 2% से ही कम जो है जीनोम है जो है कोड करते प्रोटीन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो एक्सेलेंट फीचर आप रिमाइंड करके रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है ये बहुत ज्यादा लार्ज पोर्शन में ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्टेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेटेड मेनी टाइम्स, सम टाइम 100 टू 1000 टाइम, दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक एंड इवोल्यूशन। इसमें आपको ऐसे बता रहा बेटा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखने को मिलेगा। सपोज करिए जैसे कोई जो है ये कोई डीएनए है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक फ्रेगमेंट आपको डीएनए का दिखा दिया, सपोज करिए कि ये कोई डीएनए है। अब इसमें मान लीजिए जो है ये क्रोमोजोम 1 मान लेते हैं, क्रोमोजोम 2 मान लेते हैं, मान लीजिए क्रोमोजोम 5 है, ये जो है क्रोमोजोम 5 है। सपोज करिए इस क्रोमोजोम पे जो ये पोजीशन है, जो इस पोजीशन पे मान लीजिए यहाँ पे एडिनिन है और थायमिन है, ठीक है, और थायमिन है और जो है मान लो गुआनिन है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो मान लीजिए बेस का सीक्वेंस मिल रहा है तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ हो सकता है फिर कुछ इंटरवल के बाद फिर आपको यही सेम पोजीशन मिल सकता है, फिर जो है आपको जो है फिर और भी आगे मिल सकता है, ऐसे एक दो बार नहीं हजारों बार ये जो है सीक्वेंस रिपीट कर सकता है। और एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये वेरी भी करता रहता है हर इंडिविजुअल में, हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी को कोड करता नहीं, इसीलिए हमारे आपके अंदर कोई जो है इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। बट ये रिपीटेटिव पार्ट है, रिपीटेटिव नाम से क्लियर है, जो बार बार रिपीट हो और एक दो नहीं वो हजारों जगह पे जो है वो पाया गया, देखा गया कि रिपीटेटिव सीक्वेंस पे आ जाता है और ये किसी को कोड नहीं करता, इसलिए हमारे और आपके अंदर इसके कारण से कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये डिफरेंस भी होता है हमारे अंदर, जैसा रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा आप में दूसरा होगा, किसी और में दूसरा होगा, किसी और में दूसरा होगा। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है ये वेरी करता रहता है हर इंडिविजुअल में और हजारों बार ये जो है रिपीट करता रहता है डीएनए में, बट डायरेक्ट कोडिंग ना करने के कारण से इसका कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी इंडिविजुअल में, लेकिन हाँ ये डायनेमिक होता है और ये इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आप देखिएगा। रिपीटेटिव सीक्वेंस को बस इतना समझ के रखिए कि कुछ जो है बेस के सीक्वेंस हैं जो बार बार रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होते रहते हैं, ऐसे करके आप इसे आप रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि जो है यहाँ पे एथ पॉइंट को क्या बता रहा है, यहाँ पे क्रोमोजोम 1 है मोस्ट जीन, इसमें जो है सबसे ज्यादा जीन है, कितने जीन है 22,968 है, याद रखिएगा। और वाई जीन में सबसे कम जो है जीन है, वाई क्रोमोजोम में 231 जो है जीन है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो है जीन, जैसे आपने देखा था कि जो है तो आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आपको बताया गया, इस वाले पॉइंट में आप इसे रिमाइंड करके रखिएगा, जब आपने देखा था मेन जो है एक मिनट उस लाइन को मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जीन का टोटल नंबर, तो आपने देखा ही अभी, इस पॉइंट को याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ जीन कितने एस्टिमेट किए गए, 30,000 जीन एस्टिमेट किए गए, टोटल जीन कितने जो है एस्टिमेट किए गए, 30,000 एस्टिमेट किए गए, ठीक है। और हर जीन में बेस कितने, 3,000 बेस, इस डेटा को भी याद करके रखिएगा। एवरेज में सबसे ज्यादा जो है किसमें मिले, तो सबसे ज्यादा आपको जो है पता है सबसे ज्यादा जो है मिले किसमें, डिस्टॉफिन में 2.4 मिलियन। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि जो है सबसे जो है अगर क्रोमोजोम 1 की बात करें तो जो है 2,968 जीन है और सबसे कम जीन पाए जाते हैं वाई क्रोमोजोम में 231। तो ये डेटा भी आपसे पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप रिमाइंड करके रखिएगा। जो 9th पॉइंट में अगर आप देखें, साइंटिस्ट हैव identify about 1.4 million location where single base DNA differences, लगभग 1.4 million location मिला है साइंटिस्ट को जो
क्या है, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस। जैसे यहाँ पे मैंने अभी जो बोला कि ये सिंगल बेस, मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, फिर यहाँ पे एडेनिन है, अब यहाँ पे जो है किसी में कुछ और भी हो सकता है, फिर आगे कुछ और भी हो सकता है, फिर आगे कुछ और भी हो सकता है, अलग अलग इंडिविजुअल में ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिन जो है SNPs या सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस। देखे गए कितने, 1.4 मिलियन लोकेशन पे देखे गए, याद रखिएगा ह्यूमन में जो पाए जाते हैं। और जो ये इन्फॉर्मेशन है ये रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस के लिए और क्रोमोजोमल लोकेशन के लिए या डिजीज एसोसिएशन के लिए या किसी भी ह्यूमन हिस्ट्री में टेस्ट करना किसी डिजीज के बारे में, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे जो है इसके उद्देश्य, डेटा को आप रिमाइंड करके रखिएगा, और रिपीटेटिव डीएनए के कॉन्सेप्ट का भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। अगर देखें बच्चों हम लोग यहाँ पे, तो 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंस एमंग ह्यूमन इज द सेम, सारे के सारे ह्यूमन में कितने जो है सेम है, 99.9% जो बेस सीक्वेंस होते हैं ये सेम होते हैं, ठीक है याद रखिएगा। उसके बाद में 99.9% सेम है तो डिफरेंस कितने हुए, 0.1% डिफरेंस होते हैं हर इंडिविजुअल में, और हमारे आप में हर किसी में जो ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ये जो है इसी 0.1% के कारण से हैं। अगर ये 0.1% डिफरेंस ना होता तो हम सब एक जैसे ही दिखते, याद रखिएगा बिल्कुल एज ए क्लोन दिखते। तो सब सिमिलरिटी तो 99.9% जो है के जो पोर्शन है डीएनए का बेस सीक्वेंस का वो सेम है, याद रखिएगा। डिफरेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिफरेंसेस होते हैं ये इसी के कारण से सारे के सारे इंडिविजुअल कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, हम आप हर कोई यूनिक हैं। क्यों, क्योंकि जो ये डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं, 0.1%, और इसी के कारण से फिनोटाइपिक अपीयरेंस में डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी आपको बता रहा है यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल, किसी भी दो इंडिविजुअल में जो है, किसी भी दो इंडिविजुअल में अगर आपको जो है पता करना है उनमें डिफरेंसेस, तो ये जो है डिफरेंस पता करने के लिए जो है ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्योंकि सिमिलरिटी तो आपने देखा ही 99.9% सब में सिमिलरिटी है, बट डिफरेंसेस कितना है, 0.1% के कारण से डिफरेंसेस होता है, याद रखिएगा इसे। अब ये जो डिफरेंसेस हैं इसी तरीके से किसी दो इंडिविजुअल के बीच में आप डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक है याद रखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या आइडेंटिफाई डिफरेंसेस, अगर आपसे पूछा जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप क्या काम करते हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या कैसे होता है, तो ये डिफरेंसेस जो है को आइडेंटिफाई किया जाता है, और किस आधार पे, कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं डीएनए सीक्वेंस में जिसे आप रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और ये रिपीटेटिव डीएनए जो है सेपरेट किए जाते हैं दो पार्ट में, जब इन्हें आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, तो इसके जो है इसे आप दो पार्ट में जो है कर सकते हैं। जैसे अगर आप इनका जो है ग्राफ बनाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो है एक जो है यहाँ पे आपको मिलेगा मेजर पीक और एक मिलेगा माइनर पीक। ये जो है सपोज कर सकते हैं ये मेजर पीक मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये जो है मेजर पीक रहेगा, और जो दूसरा मिल रहा है ये मिलेगा माइनर पीक। इसी पे जो है पूरा डिपेंड है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, याद रखिएगा। तो सपोज करिए अगर जो है अभी हम लोगों के डीएनए का जो है क्या किया जाए, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में पूरे के पूरे डीएनए को अगर हम लोग जो है उस सेंट्रीफ्यूगेशन इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं और सारे के सारे डीएनए का अगर जो है हम ग्राफ निकालते हैं, तो ये दो पोर्शन में अलग होता हुआ मिलेगा। एक तो हो जाएगा बल्क जीनोमिक डीएनए जो है, बल्क जीनोमिक डीएनए से जो है ये डिफरेंट पे एक पे अलग हो जाएगा। तो उसी चीज को बोल रहा है दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम, कौन सेपरेट होगा, ये रिपीटेटिव डीएनए जो है सेपरेट हो जाएगा बल्क जीनोमिक डीएनए से डिफरेंट पीक पे। कैसे कैसे करेंगे सेपरेट करने के लिए, कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें इनकी डेंसिटी के बेसिस पे ये दोनों अलग हो जाते हैं। और जो बल्क डीएनए होता है ये मेजर पीक, तो याद रखिएगा इस मेजर पीक पे जो आएगा ये बल्क वाला रहेगा, बल्क वाला जो मैक्सिमम पोर्शन है या 99.9% वाला है, भाई याद रखिएगा ये मेजर वाले पे कौन आएंगे, ये आपको आएंगे 99.9% वाले आएंगे ये मेजर पीक पे, और ये बल्क जीनोमिक डीएनए होते हैं। तो बल्क डीएनए फॉर्म है मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक, जो स्मॉल पीक है इसे जो है सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे, या माइनर वाले पे या 0. आप कह सकते हैं ये 0.1% वाला है, 0.1% वाला है, और ये जो है बनाएगा सैटेलाइट, इस पोर्शन को आप बोलेंगे ये सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे, आप इसे आप रिमाइंड करके रखिएगा भैया। तो सैटेलाइट डीएनए
अब जो है आगे देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, तो पहले तो सारे के सारे डीएनए को दो पोर्शन में, एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में जो 99 पॉइंट या बल्क डीएनए था उसे जो है अपने मेजर पीक में देख लिया, जबकि माइनर पीक में जो आपको मिला 0.1% वाला, ये सैटेलाइट है। कैसा है? सैटेलाइट है, या ये आप रिपीटेटिव कह सकते हैं, ठीक है। और इसको भी आप दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी आप दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो दो पोर्शन है डिवाइड करने के लिए, उनके लिए आप तीन कॉन्सेप्ट देखते हैं। कैसा? पहला तो है बेस कंपोजिशन, पहला बेस कंपोजिशन, दूसरा लेंथ ऑफ सेगमेंट, दूसरा है लेंथ ऑफ सेगमेंट, और तीसरा है नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, तीसरा है नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। तो कुल मिला के सैटेलाइट डीएनए को भी जो है आप क्लासिफाइड कर सकते हैं जो है ऐसे, जो यहाँ पे जो दिया गया है दो कैटेगरी, और भी बहुत सारे हैं बट यहाँ पे दो कैटेगरी मेन हैं, एक माइक्रो सैटेलाइट और एक मिनी सैटेलाइट। एक माइक्रो सैटेलाइट है, याद रखिएगा, एक है माइक्रो सैटेलाइट, एक है माइक्रो सैटेलाइट, और दूसरा जो है वो मिनी सैटेलाइट है। दूसरा जो है वो क्या है? मिनी सैटेलाइट है, याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अच्छी तरीके से डिफरेंस कराएगा, मिनी सैटेलाइट में आप। और यही जो दिस सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, क्योंकि ये रिपीटेटिव वाला पार्ट था, माइनर पे जो मिला था तो ये किसी को कोड नहीं करता, बट ये दे फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम और जीनोम की बड़े ही लार्ज पोर्शन बनाते हैं। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म की हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है और फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये बेसिस बनाता है, क्योंकि डिफरेंस को ही आपको पहचानना है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि सारे के सारे जो है ह्यूमन के डीएनए को जब आप जो है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में जो है आप अलग करेंगे, तो इसे जो है आप दो पोर्शन मिलेगा, एक मेजर और एक माइनर। मेजर पीक पे आपको बल्क जीनोमिक डीएनए होगा, माइनर पीक पे जो है आपको सैटेलाइट डीएनए होगा। सैटेलाइट डीएनए को भी आप जो है तीन पॉइंट के बेसिस पे, एक बेस कंपोजिशन, एक लेंथ ऑफ सेगमेंट और एक नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक माइक्रो सैटेलाइट और एक मिनी सैटेलाइट। और ये जो सारे होते हैं ये जो है एक तरीके से देखें किसी को कोड नहीं करते, क्योंकि ये रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, बट आप देख चुके हैं ये इवोल्यूशन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी दिखाते हैं, ठीक है, पॉलीमॉरिफिज्म दिखाते हैं, और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक्स होता है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि डीएनए कहीं से भी, जैसे किसी दो इंडिविजुअल में आपको डीएनए जो है डिफरेंस पता करना है या देखना है, तो डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज द ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, कहीं से भी अगर जो है सेल में डीएनए मिल जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, सब जगह एक इंडिविजुअल की हर बॉडी के अलग अलग पार्ट के भी डीएनए जो है एक इंडिविजुअल में, या हर इंडिविजुअल के उसकी खुद के अलग अलग बॉडी पार्ट में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो कहीं का भी डीएनए मिल जाए किसी इंडिविजुअल का, तो जो है पूरे उसकी बॉडी में जहां जहां पूरे सेल्स हैं सब जगह पे डीएनए सेम पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएगा, तो पता हो जाएगा इस तरीके से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कभी कोई डिस्प्यूट का केस होता है तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है पैटर्निटी पे टेस्टिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी का कोई एक बच्चा है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये मेरा बच्चा है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से ये पहचाना जा सकता है कि उसका जो है सन या डॉटर है, उसका बच्चा है कि नहीं है। इस तरीके से जो है आप इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर पैटर्नल होगा तो जो है कुछ सिमिलरिटी उसमें दिखाई देगी, ठीक है। याद रखिए अगर जो है पैटर्नल नहीं होगा, दूर का रिलेटिव होगा, तो ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देंगे, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताता है, ठीक है। अब मेन अगर बेसिक देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, तो यहाँ पे हम कैसे इस प्रोसेस को करते हैं। डीएनए पॉलीमॉरफिज्म में मोर देन वन वेरिएंट एलील ऑन अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, तो सिंपली यहाँ पे आपको बता रहा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, तो आपको यहाँ पे सिंपली ये बता रहा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इफ मोर देन वन वेरिएंट, एक से अधिक आपको वेरिएंट या एलील दिखाई देते हैं किसी भी लोकस में या कि ह्यूमन पॉपुलेशन में, अगर वो पाया जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से जो है अगर ज्यादा होती है, तो उसको आप डिस्क्राइब करते हैं कि ये इनहेरिटेबल म्यूटेशन के फॉर्म में होता है, इनहेरिटेबल म्यूटेशन के फॉर्म में होता है जो पॉपुलेशन में हाई फ्रिक्वेंसी में आपको दिखाई देता है, इसी को डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, सिंपल टर्म है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें बस आपको यही बोल रहा है कि अगर जो है ऐसा है तो नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट इम्पैक्ट इन एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है,
कोई जो है इमीडिएट इफेक्ट या प्रभाव नहीं दिखाता है इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में, क्योंकि जो है ये डायरेक्ट किसी चीज़ को कोड नहीं करता है। तो अगर इफेक्ट नहीं दिखाता है तो जो है ये एक्यूमुलेट होता रहता है ये डिफरेंस धीरे 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 धीरे, और जो है यही वेरिएबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म जो है इवोल्यूशन के लिए और स्पेसिएशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉरिज्म को ही देखना है, याद रखिएगा, जिसमें वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट एक टर्म आता है जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। इसे आप कह सकते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, जो बार बार रिपीट कर रहा है, जिसे आप रिपीटेटिव डीएनए बोलते थे और हर इंडिविजुअल में वो वेरी भी करता है, तो उसी चीज बेसिस पे आपको जो है ये जो है डिटरमाइन करना होता है डिफरेंसेस दो इंडिविजुअल में। इसके लिए साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन जो है टेक्निक अपनाई जाती है, जिसमें रेडियो लेबलिंग किया जाता है बीएनटीआर का जो प्रोब है उसका, साउथर्न ब्लॉट स्पेशली डीएनए के लिए होता है, ध्यान रखिएगा इसे। इसमें जो पहला प्रोसेस होता है डीएनए फिंगरप्रिंट, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी में भी इस जो प्रोसेस आप देखते हैं सेम टू सेम प्रोसेस है डीएनए को जो है अलग करने का और उसे जो है उसके सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे ही पहला आइसोलेशन आप डीएनए, पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उसके बाद में जो है डाइजेशन कराते हैं डीएनए का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो है उसे सेपरेट कर देते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, और फिर उसे जो है ब्लॉटिंग कराते हैं या जो है सिंथेटिक मेम्ब्रेन में उसे सेपरेट करते हैं, वो मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की हो सकती है। बाद में फिर हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और फिर लेबल बीएनटीआर प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से उस जो है प्लेट को आप देख लेते हैं हाइब्रिडाइज डीएनए को, और वहां पे आपको प्रिंट दिखाई देते हैं और बैंडिंग पैटर्न में आपको डीएनए दिखाई देने लगते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, बीएनटीआर बिलोंग करता है, अभी आपने देखा था क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रिफर टू ए मिनी सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट डीएनए को जब आपने तीन बेसिस, बेस कंपोजिशन जो है डीएनए फ्रेगमेंट के बेसिस पे और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट के बेसिस पे आपने तीन पॉइंट पे देखा था, वहां पे मिनी और जो है माइक्रो दो आए थे, याद रखिएगा। तो मिनी सैटेलाइट ही बीएनटीआर होता है और इसी का जो है स्पेशली यूज करते हैं। बीएनटीआर की साइज अगर देखी जाए कितनी होनी चाहिए, तो 0.1 से 20 केबी किलो पेज तक होती है, याद रखिएगा। इफ डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल इन, और ये जो है डिफर करता है हर इंडिविजुअल से, हर इंडिविजुअल का पॉपुलेशन में बस मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जो है ये सिंपल जो है सेम आता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का सेम आता है। अब यहाँ पे जो है अगर आप देखें कि यहाँ पे जो है आपको बताया गया है सिंपली, इसमें आप देखें कि जो है एक डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन से ये डीएनए मिला है, ठीक है, जिसमें क्रोमोजोम 7, क्रोमोजोम 2, क्रोमोजोम 16 का यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाया गया है, और ये दो इंडिविजुअल हैं ए और बी। ए और बी में आपको जो है देखना है कि जो है क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है ए और बी में किस में मिल रहा है। जैसे सपोज करिए आपको बोला गया कि एक इंडिविजुअल है या जो है किसी के घर में कोई एक आदमी जो है आया है, उसने जो है गेस किया कि मेरे घर में ये आदमी आया है किसी भी जो है कोई भी ऐसी दुर्घटना करने के लिए या कोई भी ऐसा कांड करने के लिए, तो किसी भी कांड करने के लिए कोई आदमी आपके घर में आया है। अब वो घर में आपके आया है, आपने क्लेम किया कि वो आपके घर में आया है, बट वो बोल रहा कि नहीं आया, तो क्राइम सीन पे जहाँ पे भी आप बोल रहे कि यहाँ पे वो आदमी आया, वहाँ से आप डीएनए निकाल के उसके डीएनए को पैटर्निंग कर उसकी जो है ये बैंडिंग कराएंगे, तो उसके ये पैटर्न आपको मिलेंगे, और जो इंडिविजुअल को आप क्लेम कर रहे हैं उसके डीएनए का आप निकाल के पैटर्न देखेंगे, अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब जो है वो सेम है जो आप गेस कर रहे हैं वो बात सही, अगर मैच नहीं है तो आप कह सकते हैं और वो कह सकता है नहीं ये डीएनए मैच नहीं किया इसलिए जो है आप गलत बोल रहे थे। तो जैसे क्राइम सीन सी से जो है जो भी मिला पैटर्न, अगर आप देखें जैसे क्रोमोजोम नंबर 7 का ही पैटर्न देखें, तो क्रोमोजोम नंबर 7 का जो है बी वाले इंडिविजुअल से तो मिल रहा है जबकि ए वाले से नहीं मिल रहा, आपको यही जो है बैंड के पॉइंट जो है गिनने होते हैं। तो क्रोमोजोम 7 का अगर आप देखें बी से मिल रहा है जबकि ए से नहीं मिल रहा, आप इसमें देखिए बैंड आपको कम मिलेंगे, जबकि जो है क्रोमोजोम 7 में इंडिविजुअल बी वाले जो है बैंड इंडिविजुअल सी से बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। फिर ऐसे क्रोमोजोम 2 का भी देखेंगे, क्रोमोजोम 2 का जो है मिलता हुआ दिख रहा है दोनों का, बट जैसे ही आप क्रोमोजोम 16 का देखेंगे तो इसका जो है ए से नहीं मिल रहा बी से मिल रहा, इसका मतलब जो ये गेस किया गया था कि जो है सी वाला का मैचिंग किससे है, तो सी वाले की मैचिंग बी वाले इंडिविजुअल से होती है। इस चीज को आप ऐसे सी वाला किससे मैच कर रहा है, बी वाले से मिल रहा, ए वाले से मैच नहीं कर रहा, इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो रिमाइंड करिएगा, टॉपिक को रिवाइज करिएगा, फिर जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ में हम जो है एक अगला टॉपिक जो इवोल्यूशन है उसका नोटिफिकेशन आपको देंगे, और इवोल्यूशन को हम अच्छी तरीके से रिवाइज कराएंगे एनसीईआरटी में नेक्स्ट लेक्चर्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियोज को आप लाइक करिए, शेयर करिए,
और एनसीईआरटी को क्विक रिवाइज करने के लिए टॉपिक्स को जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट आगे के सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर जो है चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए और फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।